यार वहाँ गाड़ी में सामान भर रहा था, वो देखो पिकअप आ रहा है और यहाँ पास देखो यार पूरा मेरा टमाटर गिर गया भाई। कैसे गिरा दिए भैया, आराम से भरना चाहिए था ना। अरे यार पूरा टमाटर गिरा दिया। ₹10 किलो बोले। हाँ भाई ₹10 किलो बोला यार। खाना डाउन यार, मार्केट आज साफ ठंड है पूरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और सुबह सुबह मैं आया था अपने खेतों की तरफ नहाने के लिए, प्लस जो मेरी बकरी और बकरा है ना इनको चराने के लिए। भाई साहब तो देख सकते हैं वो अपनी रही अपनी बकरी और ये रहा अपना बकरा, दोनों मस्त चर रहे थे। तो सोचा ये लोग ना उधर भाग रहे थे भाई, तो मैं सोचा थोड़ा सा पास ला देते हैं ताकि देखेंगे करके। चल चल चल, जा नहीं रहा आगे, चल चल रे ए दुलरवा, आगे चल आगे चल भाई चल। हर 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 चल हर, वो देखो चला गया। और वो देखो सामने बकरी भी, अभी दोनों साथ में चरेंगे भाई साहब। आज है भाई साहब ट्यूसडे, मंगलवार, मतलब कि काठाकोनी का मार्केट जाना है, काठाकोनी गांव का। और सुबह सुबह मैं गया था भाई साहब सब्जी बेचने के लिए, तो बेच के आ गया। फिलहाल आलू बचा हुआ है तो शाम को ही लेके चलूँगा। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ घर, तो आप लोग से सीधा घर पर ही मिलते हैं भाई साहब। चलो तो गाइस मैं बकरी चरा के खेतों की तरफ से आ गया अभी घर। और ये देख सकते हो भाई साहब नाश्ता, अपना नाश्ता मिला भाई साहब इधर, पोहा और अंगूर। तो खाते भाई, नाश्ता ख़त्म करते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से यार। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी, और ये देख सकते हो भाई मंडी का हाल अभी कुछ इस प्रकार से। अभी तो मैं गया नहीं हूँ यार, ना कमीशन की तरफ गया हूँ ना किसान मार्केट की तरफ, पता नहीं क्या रेट है सब्जियाँ। और देखो भाई लोगों ने तो इधर खरीद लिया यार सब्जी वब्जी, हो गया है लगभग लगभग इन लोग का। तो चलो अभी मैं पहले जा रहा कमीशन की तरफ, फिर इधर से होते हुए ऐसे किसान मार्केट की तरफ चलूँगा भाई। ये सामने देखो सब्जियों का बोली हो रहा है भाई, क्या क्या सब्जियों का बोली हो रहा है, चलो देखते हैं एक बार। ये देखो इधर चलते हैं, देखो सब्जी का बोली हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सब्जी बिक रहा है भाई। भाई साहब अभी यहाँ आए थे विकास भैया लोग के पास करेला और कांदा लेने, तो कांदा लिया है भाई। ये देख सकते हो क्वालिटी जो है ये 50 किलो है भाई कांदा, जो है मस्त लगा मेरे को तो ले लिया है। और करेला और लेंगे सोच रहे हैं यार, कुछ कम लगाते हैं भैया। तो ये कांदा लाया, देखो करेला भी लाया है, जिसको इसको बता रहे 26 रुपए। चलो आपको 26 रुपए लगाएंगे सही में। करेला भी रख लेते भाई एक बोरी बढ़िया वाला। प्रकाश भी एक करेला रख लो, एक बोरी लो ना। अरे मैं देख के लगाऊंगा ना, आप ले जाओ ऐसा। ये देख तौल देगा, एक बोरी ले लेते भाई साहब करेला। चलो जो भी लगेगा देख लेंगे भाई साहब। गाइस अभी मैं आया था किसान मार्केट की तरफ, और इधर से लाल भाजी और प्याज भाजी लेके जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं चाचा जी का प्याज भाजी खरीदा है, जो कि अभी लेके जा रहे हैं भाई साहब। और देख सकते हैं मार्केट का हाल यार, अभी लगभग 10 बज रहे हैं। ये देखो भीड़ भाड़ है। हाँ भैया, हाँ हाँ, ये देख सकते हो गाइस इधर से लेते हुए चलते हैं। भैया बैगन आ ही, बैगन 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 ले आना भैया, वो बैगन ले भेज दे भेज दे भेज दे। चलो भाई साहब बैगन को भी ले लिया है भाई का, ये यहाँ पास आएंगे भाई। चलो ये देखो यहाँ रखा हुआ है सामान को। हाँ हो गया टमाटर, बस और लेने जाना है मेरे को यार। चाज भाजी और लाल भाजी लेने के बाद मैं भी आया टमाटर लेने। और ये देख सकते भाई टमाटर का बोली हो रहा है, क्वालिटी देख सकते हो भाई टमाटर का कुछ इस प्रकार से क्वालिटी। और 25 किलो भरती है एक कैरेट में, जो कि 60 रुपए कैरेट कट रहे भाई साहब। देखो टमाटर 60 रुपए कैरेट टमाटर, ये देखो क्वालिटी देख सकते हो 25 किलो टमाटर का 60 रुपए। चलो अब ये वाला माल बिकेगा भाई, देखो ये वाला क्वालिटी वाला, देखते हैं ये कितना रुपए करता है भाई साहब, इसी लाट कर लेंगे। हाँ आगा आगा 150 रुपए कैरेट, 150 बोलो भाई, 100 रुपया, 110, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 हो रहा है भाई टमाटर, 120, सुनील माली टमाटर हो गया। देखो ये वाला टमाटर खरीदा है अपन ने 110 रुपए कैरेट में, क्वालिटी देख सकते हो भाई साहब। तो चलो भाई टमाटर भी रहने देते हैं, गाड़ी आएगा तो कब उसमें डालेंगे। तो भाई साहब फाइनली पूरा सामान खरीद लिया भाई, ये देखो यहाँ पास है अपना पूरा सभी सामान जो है, सामने जो पिकअप है ना उसी पे डालना है भाई सामान को।
तो चलो गाड़ी को थोड़ा लगवाते हैं, यहाँ पास बुलाते हैं भाई, फिर उसके बाद डालते हैं अपना अपना सामान को गाड़ी के अंदर। यार वहाँ गाड़ी में सामान भर रहा था, वो देखो पिकअप आ रहा है, और यहाँ पास देखो यार पूरा मेरा टमाटर गिर गया भाई। कैसे गिरा दिए भैया, आराम से भरना चाहिए था ना। अरे यार पूरा टमाटर गिरा दिया यार, भाई का गाड़ी गिर गया टमाटर की वजह से। तो चलो अभी उठाते हैं यार सामान को। तो भाई साहब वहाँ पास पूरा टमाटर मेरा गिर गया था यार, उसको ले देके उठाए, और उठाने के बाद देखो अभी गाड़ी पे पिकअप भी कर लिया, हो गया भाई पूरा सामान। तो चलो फिलहाल भाई निकलते हैं घर। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और फिलहाल मार्केट से मैं पहुँच चुका हूँ घर। सामान को पूरा गाड़ी पे पैक किया और पैक करके आ गया भाई। आज तो पिकअप पे ही जाएंगे, गाड़ी पे लेके जाना नहीं पड़ेगा। और क्या क्या सब्जी मैं लेके आया हूँ ना, वो मार्केट में आप लोगों को दिखा दूंगा कि बहुत सारा सब्जियाँ लाया हूँ भाई मैं आज, बहुत सारा। और इधर पीछे देख सकते हैं नाना जी खाना खा रहे हैं भाई। बाबू क्या खा था, दूध भात खा था का दूध भात मस्त खाओ खाओ। नाना जो है दूध और चावल खा रहे हैं भाई, दूध चावल। तो चलो फिलहाल अब मैं हाथ पैर अपना धोता हूँ, और मैं भी खाना वाना खा के ना रेस्ट करते हैं भाई साहब। अभी बस 2:30 हो रहे हैं, और अपन मार्केट जाने के लिए रेडी, वेट कर रहा हूँ मैं गाड़ी के आने का। सामान को तो बाहर निकाल लिया है, और अभी देखो भाई साहब नाना क्या क्या लेके आए का है। बाबू चेना, ये देखो भाई साहब इसको बोलते हैं हम लोग होरा, होरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ये है चना, चना को जो है आग से भूंजे हुए है, कच्चा चना को ना, कच्चा चना को होरा बोलते हैं इसको। और खा रहे भाई साहब मस्त, ये देखो काफी अच्छा स्वाद रहता भाई इसका, स्वाद है इसका मस्त लग रहा है एक नंबर। आप लोग खाए हो कि नहीं हो रहा बताओ यार कमेंट करके। फिलहाल अभी वेट कर रहा हूँ मैं गाड़ी के आने का, जो पिकअप में सामान डाले हैं उनका, कब तक वो आते हैं भाई। 2:30 तक तो आ जाते हैं, लेकिन अभी आए नहीं है भाई। फाइनली पूरा गाड़ी अभी आया यार, और गाड़ी के ऊपर देखो बैठ चुके हैं भाई लोग के साथ। मार्केट कमा रहे थे, और ये देख सकते हो भाई मार्केट का हाल यार, अभी पूरा खाली है। तो चलो उतारते हैं भाई सामान को। तो गाइस अभी बज रहे शाम के 4:30, और फाइनली दुकान लगा लिया यार, और आज मैं बहुत सारा सामान लाया भाई, मैं लगभग 8 आइटम है मेरे पास। तो कौन कौन सामान है उसको देखो आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो भाई सब, कांदा भाटा और करेला, टमाटर, लाल भाजी, प्याज भाजी, और मूली, और वो लास्ट में दिख रहे आलू, मतलब वो आलू से लेकर ये कांदा तक काफ़ी लंबा सामान है भाई। आज बहुत सारा आइटम है, और आज का मार्केट देख सकते हो यार, आज का मार्केट देखो काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई, बहुत सारा सब्जियां दिख रहा है मार्केट में। ये आ गया लोकल टमाटर, 2 किलो कर दो भैया। और कुछ गाइस जो भैया आए थे ना वो सब्सक्राइबर थे यार अपने, बता रहे थे आपको वीडियो देखा करके, तो बढ़िया लगा जान के भाई साहब। और आज तो बहुत सारा सामान है मेरे पास, देखते हैं मार्केट में कैसा रहता है। कांदा, कांदा 20 रुपए किलो, कांदा शक्कर वाले कांदा 20, कांदा करेला, कांदा करेला वाले कांदा 20 भैया, 20 रुपए किलो कांदा, 20 रुपए किलो कांदा, भाजी 10 मा, 4 एक बोझा भाजी 10 मा, कांदा 20 रुपए किलो कांदा, एक कांदा मिर्ची 10, ये लूट लो लूट लो, 20 रुपए किलो हो गया कांदा। करेला 30 मिली, 40 वाला काम नहीं, 30 रुपए किलो, ये खाओ पियो ऐश करो भाई, सब सस्ता मिले। प्याज भाजी 15 हो गया, 20 वाला 15, मूली 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो मूली, हाँ भाई 10 रुपए किलो मुरा यार। खाना डाउन यार मार्केट, आज क्या बताऊं, ठंड है पूरा।
तो भाई साहब मार्केट यार, मार्केट आज का ना बहुत ज्यादा डाउन था भाई, बहुत ज्यादा। इतना सारा सामान बचा कि क्या मतलब, कोई भी सामान मतलब नहीं निकल पाया भाई। पूरा एकदम सस्ता से सस्ता बेचे फिर भी एकदम डाउन भाई, एकदम डाउन यार, हालत खराब हो गई पूरा भाई साहब। मतलब मार्केट ना इतना गंदा था, इतना रद्दी, क्या ही बताएं आप लोग को। पूरा मार्केट में हर किसी का सामान जो है आज पूरा बचा हुआ है भाई। ये देख सकते हो मार्केट आज का काफी सामान दिख रहा है, हर किसी के पास सामान बचा हुआ है। ये देख सकते हो पूरा हर किसी के पास भाई। ये देख पीछे भी देखो, भैया लोग के पास है पूरा हर तरफ। मतलब आज का मार्केट ना अट्टी टाइप से डाउन भाई। हाँ भैया, कहा दोगा कहा दो बताना। करेला ले जाना 30 रुपए किलो, 40 बेचो 30 लगा। हाँ यार, भाटा 15 रुपए किलो जा, 20 वाले 15। ये देखो ले ही नहीं रहे भाई, कस्टमर जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रद्दी था, मज़ा नहीं आया। अब चलो भाई, जो सामान बचा है ना इसको उठाना पड़ेगा भाई, उठाते हैं अब यार, क्योंकि मार्केट पूरा ख़त्म हो चुका है। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी तक हम लोग मार्केट में हैं यार। और सामान को उठाने के बाद देखो गाड़ी पे पूरा पिकअप कर लिया है। ये देख सकते हो भाई, आज ना सभी भाई लोग का सामान फुल बचा है यार। पूरा जितना ज़्यादा सामान लेके आए थे ना, उतना सबका सामान बचा हुआ ही जा रहा है आज। मार्केट चाहे अच्छा चले या बेकार चले, मतलब कोई मतलब ही नहीं, बस हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, सभी के यही रहता है। हाँ ना चाचा? नहीं पटेल भैया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। तो चलो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से घर के लिए भाई। आगे आगे आगे। तो गाइस फाइनली यार घर पहुंच गए। ये देखो चलो उतरते हैं भाई। हाँ इनको रामफल खिलाओ। हाँ रामफल खवा तो सब झिनला। तो चलो सामान को उतारते हैं भाई सब, पहले नीचे उतारते हैं गाड़ी से। ये देखो चाचा उतर गए हैं पहले से। चलो सामान पहले उतार ले रहा हूँ भाई। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और फिलहाल जस्ट अभी अभी मैंने खाना खाया और खाना खा के आ गया भाई सब बाहर। और ये देख सकते हो भाई, इतना सारा सामान जो है आज बचा हुआ है। देख सकते हैं 1.5 कैरेट के आसपास टमाटर है, 1 कैरेट अपना कांदा है, 1 कैरेट करेला है, 1/2 कैरेट भाटा और 1 झोला पूरा मूली और 1 झोला भाई साहब इसमें। इतना सारा सामान आज बच गया, इतना रद्द था मार्केट पूरा का पूरा। और ये देखो इधर सो रहे हैं मेरे नाना गाना गाते हुए। और भाई साहब चलते हैं अपने रूम के अंदर फिलहाल गाइस। और सेलिंग की बात करूँ ना तो मैं तो पैसे को अभी गिना नहीं हूँ। और गाइस आज का मार्केट ना इसलिए डाउन था क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी आ गया था। पिछले मार्केट को ना बहुत अच्छा मार्केट था, वहाँ का बहुत कम सब्जी वाले गए थे। तो आज जो है सबके सब बहुत ज़्यादा ज़्यादा सब्जी और बहुत ज़्यादा सब्जी वाले गए थे, प्लस मैंने भी थोड़ा सा ज़्यादा सब्जी बाय कर लिया था यार कि अच्छा प्रॉफिट हो करके। लेकिन कोई नहीं, मतलब कभी कभी जो है ना रिस्क लेना भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है। लेकिन भाई जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, रिस्क लेना भी जरूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, आज नहीं बिका तो कल सेल कर लेंगे, उतना भी बड़ा दिक्कत नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस होते रहता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स। यही था गाइस आज का दिनचर्या हमारा, इतना मेहनत, लेकिन मेहनत का फल अभी नहीं मिला है जो कि कल मिलेगा। तो कल देखना आप लोग कि कल क्या होता है, अपने फल कितने के मिलते हैं, फल मिलता है कि नहीं। फिलहाल के लिए गाइस आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना और चैनल पर आया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। अरे होता है चाचा, दान करो गौ माता की जय, खिलाते रहो, खुश रहो, दादा निकल के फिर